नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के नावा सिटी से है, जहां उपखंड मुख्यालय नावा से खाकड़ की सड़क के पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार के 5 साल गारंटी वाले दावों की पोल खोल रही है। सड़क को देखकर ऐसा लगता है जैसे इससे बड़ी भ्रष्टाचार की जीती जागती मिसाल और क्या होगी। नावा से खाकड़की के बीच झील क्षेत्र से गुजरने वाली करीब 1,30,00,000 की लागत से बनी सड़क से निर्माण के 8 माह बाद ही डामर कई जगह से गायब हो चुकी है। विभाग का भारत के शहरी व ग्रामीण अंतराल को जोड़ता यह स्लोगन बोर्ड लग रखा है कर ही सीमित रह गया है। करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित हुई इस सड़क की ग्रामीणों द्वारा कई बार सालों से मांग कर रही है। इस सड़क के निर्माण के 8 माह बाद ही हाल बेहाल जो सोचनीय है। इस सड़क की स्थिति इतनी दयनीय है कि कई किलोमीटर में सड़क पर लगी गलती से यहाँ वहाँ नाम मात्र की डामर देखने को मिल सकती है, अन्यथा सड़क पर कंक्रीट और धूल के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है। और विभाग और ठेकेदार के 5 साल की गारंटी वाले दावों की पोल खोलती दिखाई दे रही है और धरातल पर इनकी कथनी और करनी में फर्क साफ नज़र आ रहा है। यह सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड कुचामन सिटी के अंतर्गत फरवरी 2022 में पूर्ण निर्मित होकर पूरी हुई है। इस सड़क की गारंटी अवधि 5 वर्ष है, किंतु विडम्बना है यह है कि यह सड़क 5 महीने में ही ढंग से नहीं चल रही है। इस सड़क की लंबाई 12.400 किलोमीटर है। सड़क की अनुमानित लागत राशि 130.20 लाख रुपए है। विभाग द्वारा इस सड़क निर्माण का ठेका बजरंग कॉन्ट्रैक्टर इंटरप्राइजेज गोगोर खंड कुचामन सिटी को दिया गया था। इस सड़क की यह दुर्दशा होकर आम जन भी हैरान है। इन सब से बेखबर बेफिक्र होकर विभाग और जिम्मेदार ठेकेदार चैन की बांसुरी बजा रहे हैं और जनता उनकी गलती का खामियाजा बेवजह भुगत रही है। जो सोचनीय वह पीडब्ल्यू विभाग भी कार्य प्रणाली पर सावलिया निशान है। नावा सिटी से मनोज गंगवाल की विशेष रिपोर्ट। की जा रही की नशे की लत को लेकर युवाओं से लेकर बड़े तक नशे के कारोबार में व नशे की लत में डूब रहे हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो सड़कें बनाई जा रही है उन मुद्दों को लेकर बार बार खबरें प्रकाशित की जा रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा इस बारे में ये कहना है कि अभी पिछले 10-15 दिन से नावा व मारोट के पत्रकार बंधु लगातार अलग अलग पत्र अखबारों में न्यूज़पेपर के द्वारा अवैध शराब कारोबार, अवैध नशा कारोबार व सड़क की जो हालात दिखाई, प्रत्येक न्यूज़ चैनल पर लगा हर अखबार में भी ये खबर आई, जहां सड़कें बनाने के कुछ 7 दिन बाद में 3 महीने बाद में सड़कें नहीं चली। तो मेरा ये मानना है कि इस अखबार की खबर को लेकर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को भी, इन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। अब तक शायद ऐसा कोई अच्छा कदम इन्होंने नहीं उठाया कि इन सड़कों के बारे में भी सूझ ले और जो नशे के कारोबार के बारे में रात को लेट तक दारू की दुकानें बिकना, गांजा अफीम, इसकी भी युवाओं को बढ़िया नुकसान हो रहा है, युवा वर्ग इसकी ओर आकर्षित किया जा रहा है, तो इस पर लगाम लगनी चाहिए। और ये लेट तक जो खुले हैं इन पर आज तक शायद कार्रवाई नहीं की, तो मेरा इसमें मानना है कि ऐसे जो अधिकारी हैं इनके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये अवैध कारोबार की जो कर रहे हैं तो इस पर ऐसा अब तक कोई इन्होंने एक अभियान चला के या अब तक शायद कोई ठोस कार्रवाई इन्होंने नहीं की। और सड़क की जहाँ तक बात है, खाकड़ती सड़क ले लो, मारोट भूणी सड़क ले लो, सोलाया से मिंडा सड़क ले लो, ऐसी कोई भी सड़क नहीं है जो बनाने के 3 महीने या 4 महीने या 2 महीने में, और मारोट से या नावा सोलाया से हेमपुरा तक खड्डे पड़े हैं। मैंने खुद ने व्यक्तिगत एक्शन साहब और एन साहब को फोन किया था कि साहब इसमें खड्डे पड़े हैं, लोग आए दिन गिर रहे हैं, पर किसी अधिकारी का इसमें ध्यान नहीं है। तो अभी सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगी है इन सड़कों का और युवाओं के, और इससे अवैध कारोबार शराब माफिया पे किसी प्रकार का कोई लगाम नहीं अधिकारी।